दरअसल क्या है बेटा, अभी तक आप अव्यवस्था होने के नाते प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का जो समारोह होता था वो आपके जहन में कोई भी छाप नहीं छोड़ पाता था। किसी का परफॉर्म करना और किसी ऊंचाई तक पहुंचना और उसके जरिए किसी को प्रेरणा मिलना, ये हर टेस्ट के प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का मकसद है। और यहाँ बैठे जितने लोग हैं वो वही ख्वाब देख रहे हैं जो लोग उनके सामने हासिल किए हुए हैं। जब आपकी तालियां इनके लिए बजती हैं तो याद रखिएगा, दुनिया में एक नियम है, जैसा आप दूसरों के लिए व्यवहार करेंगे वैसा ही व्यवहार आपके लिए दुनिया करेगी। कुछ भी अलग और ज्यादा नहीं होता है, मिलता वही है वापस होके जो आपने दूसरों के लिए किया है। आपको पिछले कुछ समय में जो भी टेस्ट हुए या प्राइज हुआ, उस दौरान बजने वाली तालियां, आपने सिर्फ उसे तालियों के जरिए ही ये रखा कि हाँ चलो ठीक है बजाना है, ताली बजा दिए। आप ये भूल गए कि वो ताली की आवाज, वो ताली की ताकत, वो दोनों हाथों के मिलने का जो समय है उसकी गूंज जो है वो आपके सिलेक्शन की गूंज है, आपके गांव तक की गूंज है। आप ये भूल गए कि जब आप पहली रैंक पे होंगे, 720 पे होंगे, तब आपके लिए दुनिया उतनी ही धीमे ताली बजाए, यही आप चाहते हैं। आपको लगता है इनका सम्मान इनके नंबर ने किया है, इनकी मेहनत, लगन, जुनून और जज्बे ने किया है, ये आपके सम्मान के मोहताज तो नहीं है। और अगर आपको ये लगता है कि आप ताली बजा के इनका सम्मान कर देंगे, ये आपकी भूल है। इनका यहाँ आना और इनके सम्मान के वजह में ताली बजाना, तब आप शायद गलत हैं। आप सही कब होंगे, जब आप ये मान के चलेंगे कि आज हम जो वापस कर रहे हैं वही कल हमें लेना है। और वो ताली की जो आवाज है ना, जैसे ही तुम्हें लगेगा कि हमारी पहली रैंक, हमारे 720 नंबर, हमारे 9वीं रैंक, हमारी 8वीं रैंक, तुम्हारे ताली की आवाज की जो गूंज है वो तुम्हारे गांव तक, तुम्हारे पड़ोसी तक, तुम्हारे हर उस रिश्तेदार तक पहुंचेगी, जो जहां भी होगा उसे ये बौखलाहट इस आवाज से मिलेगी कि कोई तो है जो अपने सपनों के लिए इस कदर जी रहा है कि हर टेस्ट में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा है। याद रखना एक बात, सवाल नंबर का नहीं है, और मेरी नजर में नंबर की तवज्जो सिर्फ उतनी है जितनी एक टेस्ट की है, सिर्फ उतनी। लेकिन नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप 30 टेस्ट के फेज से गुजरते हैं साल भर। वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोसेस ही परिणाम देती है। जब आप गलती करते हैं सुधारते हैं, गलती करते हैं सुधारते हैं, दैट इज द प्रोसेस। और मुझे आप में ये नहीं दिखता कि आप सिलेक्शन के लिए भिखमंगों की तरह लड़ रहे हैं कि नहीं कोई एक सीट मिल जाए 610 नंबर वाली, कोई उठ जाए छोड़ के तो हमें मिल जाए वेटिंग वाली। हम आपको जब देखते हैं तो एक उम्मीद में देखते हैं। यहां पर बैठा हर बच्चा हमारे सब लोगों के लिए 720 है। आप अपने आप में क्या देखते हैं आप खुद अंदाजा लगाइए। आप क्यों देखते हैं 500 नंबर, आप क्यों देखते हैं 620 नंबर, आप भी देखिए अपने आप में 720 नंबर। कुछ लोगों का नजरिए का ही फर्क है सर, किसी को गेहूं का एक बीज दिखा दो तो कहता है एक गेहूं में होता क्या है। लेकिन एज ए टीचर अगर हम लोग अपनी बात करें तो एक बीज में इतनी ताकत देखते हैं पूरी दुनिया का पेट भर दे। एक बीज से एक पौधा, एक पौधे में बहुत सारे बीज, फिर उससे बहुत सारे पौधे, पूरी खेत और पूरे देश दुनिया का पेट भरने की ताकत एक बीज में है दोस्त। तुम्हें लगता है तुम कम मेहनत करो ज्यादा मेहनत करो क्या फर्क पड़ता है? गांव में भी घर में भी कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा कि एक साल बाद जब तुम लौट के आओगे तो सब कुछ बदल जाएगा। जिस मुंह ने ताना मारा है उनके ऊपर सीधा तपाक से जवाब मिलेगा कि आज हमारा बेटा, आज हमारी बेटी सफल हो गए। तो अच्छा दूसरी बात, जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, जो मिलियनायर बिलियनायर हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, उनके लिए नीट का पेपर मात्र एक इम्तहान होता होगा। यहां बैठे हर शख्स के लिए और हम सब के लिए नीट का इम्तहान एक जंग से कम नहीं है, या तो जिंदगी इस पार या तो जिंदगी उस पार, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है।
तो अगर जीवन में ये मौका मिला है, ऐसा इंस्टीट्यूट मिला है, ऐसे सभी अध्यापक और पूरा टीम वर्क मिला है, इसका फायदा उठाइए, इसको इस्तेमाल कीजिए और अपने जीवन को इस साल का ये साल अपने जीवन का सबसे सुनहरा साल बना लीजिए। हम 720 जीरो वाले में भी देख रहे हैं और 700 पार वाले में भी देख रहे हैं। हर परिस्थिति में सारे अध्यापक, सारी ओमेगा की टीम आपके साथ है और हमेशा रहेगी, लेकिन आप भी तो वो करके दिखाइए, वो अनुशासन भी तो दिखाइए। तो अगली बार अब जब आप ताली बजाएंगे तो आपके मन में ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि ये हमारी ताली है, हमारे लिए है, हमारे घर वालों के लिए है और हमारी पहली से लेकर नौवीं रैंक के लिए है, हमारे सिलेक्शन के लिए है। बस इस एहसास को अपने अंदर जिंदा रखेंगे, फिर देखते हैं ताली की आवाज कैसे नहीं आती है। आप जुड़िए तो सही उसके साथ जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं आप। जब आप ताली बजाएंगे तो आपका मनोबल, बच्चे बच्चे का मनोबल, बच्चे बच्चे की मनोदशा, बच्चे बच्चे के युद्ध की तैयारी को बयां करेगा। वो सिर्फ ताली नहीं होगी, ताली ये ना बजती है, अपने सम्मान में ताली बजाओ, किसी के सम्मान को तुम क्या तुम्हारी ताली बढ़ा देगी यार, तुम इसका कहां गफलत में हो। तो ताली की आवाज प्रॉपर आए, और दूसरा जब सम्मान हो तो वो ताली की आवाज तब तक होनी चाहिए, बारी 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 मैं नाम पढ़ूंगा बेटा, और कब आपको ताली बजाना है, कब आपको रोकना है, ये टाइमिंग आपके ऊपर निर्भर करती है। रीजन कि जो बोलेंगे वो नाम भी आपको पता हो, वो नंबर भी आपको पता हो, वो रैंक भी आपको पता हो, और अगले टेस्ट में आप इस प्रेरणा से अगले प्राइज डिस्ट्रीब्यूट, हम तो चाहते हैं ये स्टेज छोटा पड़ जाए, इतनी पीली टी शर्टें बांट दें, IMA फ्यूचर डॉक्टर भरी क्लास इतनी है, सबको हम ये टी शर्ट दे दें और अगली बार सबके नंबर ऐसे आए कि सबके लिए मेडल कम पड़ जाए, माला कम पड़ जाए, यहां पे भीड़ लग जाए और ये हो जाए पूरी क्लास को सम्मानित करना है। लाओ वो जज्बा, करो वो काम, और एक बात जान लो, मरमर के भी जीना है तो जीना कोई जीना नहीं, जब तक जियो जम के जियो और अच्छे से जियो और अच्छा परफॉर्म करके दिखाओ। तो अब नाम बुलाएंगे और उसी के साथ आप अपने लिए रेडी भी रहें थोड़ा सा, क्योंकि पिछले दो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में आपका जो माहौल था ताली वाला वो काबिले तारीफ नहीं था, वो आप समझ रहे थे इनके सम्मान में बजा रहे हैं इसलिए आप कमजोर पड़ रहे थे। इस बार का नजारा बदल दीजिए, कर सकते हैं आप। दो लाइनें हम आप तक पहुंचाएंगे, जो बच्चे यहाँ पे खड़े हैं ध्यान सुनना भैया, जो बच्चे यहाँ खड़े हैं, अच्छा सुनने के बाद मौके पे टाइमिंग पे आपकी ताली ये बताएगी कि हमारी बात आपके तक पहुंची या नहीं पहुंची। तो सभी बच्चों के लिए, आप सब कंप्यूटर हैं, सारे बच्चे नीट का इम्तहान दे रहे हैं, कोई नहीं सेलेक्ट होगा तो उसकी जगह कोई सेलेक्ट हो जाएगा, उसी के लिए 4-5 लाइनें हैं, अगर तुम्हारे दिल तक पहुंच के धक से करे तो आज से जुड़ जाना और तब तक के लिए जब तक रैंक ना लाना, हर बार के लिए ये ध्यान रखना कि तुम्हें यहां प्राइज लेना है। सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, नीट के इम्तहान की तरफ मेरा इशारा है और आप सबके लिए इशारा है। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद बदल सको तो चलो, तुम अपने आप को खुद बदल सको तो चलो। आगे यहां अगली दो लाइनें, यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो, यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से बहल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी,
जो चल सको तो चलो। तालियों की आवाज पहुंची नहीं, एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजा लीजिए और तेजी से। हाँ, हम नाम पुकारेंगे। पहली रैंक पे 647 नंबर पे जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हम अनुरोध करेंगे नवीन सर से कि माला पहना के, मेडल पहना के यस कुमार का स्वागत करेंगे आपकी तालियों के गड़गड़ाहट के बीच। जोरदार तालियां, जोरदार तरीके से तालियों से स्वागत करेंगे। जोरदार ताली बजाइए भैया। ताली कम नहीं होनी चाहिए। हम अंकित सर से अनुरोध करेंगे कि सेकंड रैंक पे 646 नंबर पाके अमन कुमार का स्वागत करेंगे माला पहना के, मेडल पहना के। जोरदार ताली बजाएं भैया, थोड़ा तेज बजाओ भाई। संदीप भैया से हम अनुरोध करेंगे तीसरी रैंक पे मोहम्मद कैफ 645 नंबर पाके तीसरी रैंक पे जोरदार स्वागत करिए भैया, जोरदार स्वागत करेंगे। चौथी रैंक पे ताली बजाओ भैया जोरदार, ताली कम नहीं होनी चाहिए। शाबाश। चौथी रैंक पे नीतीश कुमार राजवंशी 645 नंबर पे हम अंकित सर से अनुरोध करेंगे कि वो माला पहना के स्वागत करें भैया का। ताली कम नहीं होनी चाहिए भाई, ताली जोरदार तरीके से बजाते रहो। पांचवी रैंक पे चांद अंसारी 640 नंबर से पांचवीं रैंक पे अंकित सर से अनुरोध करेंगे कि माला पहना के स्वागत करें। ताली कम नहीं होनी चाहिए भैया, जोरदार ताली बजनी चाहिए। चलो अच्छा, इन्हीं सब के बीच इन्हीं सब के बीच सुनिएगा ध्यान सुनना भैया। हाँ, दरअसल सर की क्लास भी है और नीचे जो है भीड़ लग गई है, तो 2-5 मिनट में समारोह खत्म करके पहुंचेंगे। लेकिन जहां रहो वहां 100% रहो और जो करो वो परफेक्शन से करो। 2 मिनट देर से ही, बस 2 मिनट का समय लगेगा। तो छठी रैंक पे है हिमांशी चौधरी। नवीन सर से हम अनुरोध करेंगे कि जोरदार तालियों के बीच सम्मान करते हुए माला पहना के स्वागत करेंगे। 625 नंबर आठवीं रैंक पे योगिता राज सिंह। संदीप सर से अनुरोध करेंगे योगिता राज सिंह आठवीं रैंक पे 605 नंबर जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा बेटा। चलिए सरोज सर से अनुरोध करेंगे 9वीं रैंक पे कृष्ण मोहन पांडे का स्वागत करेंगे 602 नंबर बेटा। अब इन्हीं के बीच दो लाइनें सुनिएगा, फिर आप तक पहुंचे तो बताइएगा जोरदार तालियों से। आप सुनिएगा बेटा, अपने दिल के अरमानों को साज बनाकर गाएंगे अपने। हाँ, वाह कर सकते हो। अच्छा, मुझे पता है कि शुरुआती कुछ ट्रेलर से तुम्हारे अंदर का भाव दब गया है, लेकिन तुम घबराओ मत, जहां जिसकी जरूरत हो वहां वो कर सकते हो, है ना। चलो, अपने दिल के अरमानों को साज बनाकर गाएंगे हाँ, यही शब्द उत्साह भरे हम बार बार दोहराएंगे कि ये जो जंग छिड़ी है इसमें दो ही रास्ते बसते हैं, या तो जीत के आएंगे या मैदान में मर जाएंगे, चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। गोविंद सर से हम अनुरोध करेंगे 10वीं रैंक पे 596 नंबर से सौरभ कुमार का सम्मान माला पहना के करेंगे। आपकी जोरदार तालियां। चलिए
एक बार अपने लिए, इन सब के लिए, आप सभी लोग भी इनके सम्मान में एक बार जोरदार ताली एक सेकंड के लिए बजा दो, एक बार जोरदार ताली बजाइए भैया। शाबाश, चलिए चलिए बेटा, यहाँ पर जिन लोगों का बैग रखा हुआ है, चलिए आपने बहुत अच्छा सहयोग किया, उम्मीद करते हैं अगली बार ये सब कुछ बदलेगा और आप अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। इत्मीनान से उतरिएगा सीढ़ी पे।